हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और क्या बोलते हैं, थोड़ा खाने पीने की प्रॉब्लम आई, बट इट्स ओके, हमने मैनेज कर ही लिया था वो चीज़. और बाकी ग्राउंड वगैरह की, रहने सहने की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी और ग्राउंड भी बहुत अच्छे थे. हमारा जो फर्स्ट मैच है वो चाइनीज ताइपाई से हुआ था और वो इक्वल हो गया था. सेकेंड मैच जो है वो हमारा कोरिया के साथ हुआ, और जो थर्ड मैच है वो थाईलैंड से हुआ था, वो भी वन साइड सारे मैचेस गए. और सेमीफाइनल जो था वो नेपाल के साथ था, वो भी उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी और हमारी टीम और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठ गया था, तो वो मैच भी हमारा वन साइड गया. और फाइनल मैच जो था वो चाइनीज ताइपाई से फिर से हमारे साथ आया, और वो उनकी टीम बहुत अच्छी थी और बहुत स्ट्रगल वाला मैच चला था, और लास्ट में हम वन एक पॉइंट से जीते हैं उन लोगों से. तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम लोग विन करेंगे. क्या चाहेंगी सरकार से, क्योंकि सम्मानित आज मुख्यमंत्री करेंगे, किस तरह की, क्योंकि दूसरे राज्यों में सुविधाएं ज़्यादा है, हिमाचल में उसके मुकाबले में कम है, क्या सरकार से चाहेंगी? सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे बाकी स्टेट में पॉलिसी है, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, जो प्लेयर खेल के आ रहे हैं और गोल्ड लेके आ रहे हैं उन लोगों को 3-3 करोड़ है, और क्या बोलते हैं, हम लोगों के लिए सिर्फ 15 लाख है. तो हम यही बोलना चाहेंगे सरकार से कि थोड़ा पॉलिसी को चेंज किया जाए. और जॉब के लिए भी हम बोलना चाहेंगे कि हम हिमाचल के लिए कम से कम 10-11 साल से कंटिन्यू मेडल ले आ रहे हैं और कंटिन्यू खेल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, हमारे को जो जॉब है वो थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड की ऑफर्स आ रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि इस मेडल पे हमें भी जैसे बाकी स्टेट में बेस्ट वो दी जाती है, क्या बोलते हैं, क्लास वन ऑफिसर की जॉब दी जाती है, वो हमें भी वैसी जॉब दी जाए, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं. नाम बताना है आपने, कब आपका कंपटीशन था, कौन सा मेडल देख के आप आए हैं, कितने टफ कंपटीशन रहा आपका? मेरा नाम रितु नेगी है, और जो अभी हमारे हाल ही में चाइना में जो मैचेस चले थे एशियन गेम्स के, उससे हम स्वर्ण पदक लेके आए. और एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे कंट्री ने 107 मेडल लेके आया, और जिसमें जो 100वां मेडल था वो कबड्डी वुमेन ने पार किया 100 का आंकड़ा, वो भी स्वर्ण पदक से, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है. कितनी फाइट्स आपकी हुई वहाँ पर, कितने मैचेस आपके कर्ण हुए? हमारे 5 मैचेस हुए थे टोटल, जिसमें कि 3 पुल के मैच थे, 1 सेमीफाइनल था और फाइनल. और जो हमारा फर्स्ट मैच था वो टाई रहा था चाइनीज ताइपे के साथ, तो बहुत ही अच्छी टीम है, बाकी की कंट्रीज भी बहुत ही अच्छा मतलब खेल रहे हैं. और फाइनल मैच में हमारा उन्हीं के साथ आया जो कि हम एक पॉइंट से विन किए. खिलाड़ियों की बात की जाए तो किस तरह का कॉम्पिटिशन आपने वहाँ पर देखा, कितना एडवांस है, और हमारे पास क्या कमी आपको लगती है जो यहाँ पर बेहतर होनी चाहिए कबड्डी के अंदर? देखिए, बाकी कंट्री के जो टीम है वो बहुत अच्छा इसलिए इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि जो उनके कंट्री में जो कोच जाते हैं वो इंडिया से ही भेजे जाते हैं उनको सिखाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर हमें फाइट मिलेगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कबड्डी ओलंपिक में इंक्लूड हो सकता है. प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका. इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है. इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है. इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के. इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है. योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी, तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुँचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में.